So, welcome to my YouTube channel. I am Surinder Sharma. तो English speaking को लेकर हम आपसे आज बात करने जा रहे हैं. English speaking काफी लोगों की इच्छा है, बिल्कुल आंतरिक डिजायर है कि हम भी English बोल पाए और आसानी से English में बातचीत कर पाए. बट काफी लोग लाखों करोड़ों बुक्स हैं मार्केट में, इतनी ज्यादा लेने के बाद भी इंग्लिश नहीं बोल पाते. बट मुझे अपने एक्सपीरियंस से मैं बात कर सकता हूँ कि मैं आपको बड़े आसान तरीके से, बड़े इजी वे में इंग्लिश सिखा सकता हूँ. बट उसके लिए आपको क्या करना है, मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि सब लोग इंग्लिश आसानी से सीख पाएँ. और बड़ा आसान तरीका मैं आपको यहाँ पर देने जा रहा हूँ, तो आइए उसके बारे में बात शुरू करते हैं. इंग्लिश स्पीकिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि काफ़ी लोग इंग्लिश को एज ए सब्जेक्ट सीखना पसंद करते हैं, और एज ए सब्जेक्ट ही हमने शुरू से सीखा, बेगिन सीखा है, एज ए लैंग्वेज नहीं सीखा है. लैंग्वेज और सब्जेक्ट में मोटा सा अंतर क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ. लैंग्वेज का मतलब होता है भाषा, और सब्जेक्ट का मतलब जैसे कि हमने अपने स्कूल कॉलेज में अब तक पढ़ा है, सब्जेक्ट सब्जेक्ट में सिर्फ पढ़ना और लिखना. जैसे हम बोलते हैं कि ये व्यक्ति पढ़ा लिखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसे पढ़ना आता है और लिखना आता है बस. यानी कि वो पढ़ सकता है, यानी कि रीड कर सकता है और लिख सकता है बस, बोलने की बात नहीं आती. क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पर अच्छे अच्छे एजुकेशन लेने के बावजूद भी, अच्छी खासी एजुकेशन गेट करने के बाद भी इंग्लिश स्पीकिंग नहीं कर पाते, इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं. तो उसका मुख्य कारण यही है कि उनको सिर्फ पढ़ना और लिखना नहीं आता है, बोलना उनको नहीं आता. प्लस कोई और इंग्लिश बोले तो उस चीज़ को वो समझ नहीं सकते हैं. तो उसका मेन कारण क्या है कि लैंग्वेज जो होती है वो आपकी टंग पे, यानी कि जुबान पर सेट होती है. अब टंग पे सेट करने के लिए वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, वो मैं आगे आगे डिस्कस करूंगा. बट यहाँ पर मैं मुख्य बात आपसे इंग्लिश स्पीकिंग में जो मेन बात है उसको करने जा रहा हूँ. उसमें पहली बात तो हमें लैंग्वेज सीखनी है. लैंग्वेज में दो बातें अलग से आ जाती हैं, कौन कौन सी. एक तो इंग्लिश बोलना, जो कि सब्जेक्ट में नहीं आती, प्लस इसके अलावा इंग्लिश समझना भी, यानी कि सुनना. जबकि जो एक टेस्ट होता है आईएलटीएस, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, उसके अंतर्गत ये चारों बातें सिखाई जाती हैं. बट आमतौर पर सब लोग इस चीज को जल्दी से गेट नहीं कर पाते. तो लैंग्वेज जो है उसे सीखने का तरीका हम यहाँ पर डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे. लैंग्वेज के लिए क्या क्या बेसिक रूल्स हैं उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस शुरू करने जा रहा हूँ. तो लैंग्वेज को सीखने के लिए पहली बात तो ये है कि टेंसेस की कोई जरूरत नहीं होती. काफी लोग टेंसेस को लेकर बहुत ज्यादा हेडेक लेते हैं. मैं यहाँ पर आपको एक छोटे से तरीके से टेंस की सारी बायोग्राफी इजीली समझा दूंगा. अब आप कहेंगे कि सर टेंस की जरूरत नहीं होती, ये तो आपने गलत बात कही, क्योंकि काफी लोग बिना टेंस के तो इंग्लिश बोल नहीं सकते. बट टेंस का वो तरीका नहीं जो आपने अब तक सीखा है. टेंस का एक आसान तरीका मैं आपको देने जा रहा हूँ, है वो भी टेंसेस ही. ऐसा नहीं कि बिना टेंस से इंग्लिश बोली जा सकती है, पर उसका इस्तेमाल प्रॉपर ढंग से आना चाहिए, इजी वे आनी चाहिए, जिससे आप आसानी से बोल पाए. और काफी लोग टेंसेस को लेकर भी इंग्लिश नहीं बोल पाते. जैसे कि काफी लोगों को टेंस आते हैं, बट फिर भी अगर उनसे पूछा जाए कि आप इंग्लिश बोल सकते हैं, तो वो इंग्लिश नहीं बोल सकते. 1 घंटे तक वो तो ट्रांसलेशन ही उसकी करते रहते हैं. अब आपको ट्रांसलेशन तो करनी ही पड़ेगी. तो बस यही मेन फॉर्मूला है कि जो ट्रांसलेशन का टाइमिंग है दैट शुड बी इन माइनस, कि वो बिल्कुल 0 होना चाहिए. अब आप कहेंगे ये बात तो उनको समझ में नहीं आई कि अब क्या 0 होना चाहिए वो सब. काफी लोगों को ग्रामर बहुत अच्छी आती है, टेंसेस बहुत अच्छी तरह से आते हैं, या आजकल नेट पे बहुत सारी वीडियोस या यूट्यूब पे या नेट पे बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं जिनमें आप आसानी से ग्रामर पूरी तरह सीख सकती है, बट फिर भी बोलना नहीं आता वहां पर. तो बोलने के लिए जो बेसिक फॉर्मूला है वो मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ. बोलने के लिए मेन चीज क्या करनी है आपको, ये चीजें अपनी टंग पे लेके आनी है, जुबान पे लेके आनी है. अब टंग पे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, तो टेंसेस की बात शुरू करें. अगर हम टंग पे लाने के लिए मेनली आपको क्या करना है, उस चीज को बार बार रिपीट करना पड़ेगा, यानी कि बार बार बोलना पड़ेगा. बोलने से आपकी टंग पे वो चीजें सेट हो जाएंगी. काफी लोग ये बोलते हैं कि टेंस से इंग्लिश बोलनी आ जाएगी, टेंस का इस्तेमाल आना चाहिए, उनके नामों से इंग्लिश बोलनी बिल्कुल भी नहीं आती. कैसे, जैसे कि अजाद हम टेंस के नियमों में पढ़ते हैं. सर मैं कहूँ कि मैं अगर जा रहा हूँ, अगर मुझे उसकी इंग्लिश माने पड़े, तो काफी लोग ये बोलेंगे कि अंत में रहा रहे आ रहा है. इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का वाक्य हुआ कि आई एम गोइंग इंग्लिश बन जाएगी. बट मेन थिंग इज वट, कि सेंस उसकी लेनी पड़ेगी. जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ, तो अगर मैं उसकी इंग्लिश पूछूँ आपसे, तो कई लोग कहेंगे हमें तो पता ही नहीं इसकी इंग्लिश. तो
तो बैठना इज ए वर्क, एक काम है, और लगातार बैठना काम चल रहा है, तो यानी कि आई एम सिटिंग ही इंग्लिश बनेगी। सेंस क्या हुई, सेंस के हिसाब से बोली जाएगी। प्लस टंग पे लाना, टंग पे लाने के लिए आपको हर चीज को बोलना पड़ेगा जिससे आपके टंग पे वो चीजें आए। और टंग पे कैसे आएंगी, थोड़ा सा उसके बारे में बात कर लें। टंग पे लाने के लिए मेरे लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हर चीज को बार बार दोहराना पड़ेगा। मैं आगे जो वीडियोस बनाऊंगा उसमें इन सब के बारे में आपके साथ चर्चा करूंगा, डिस्कस करूंगा कि टंग पे कैसे लाया जाए और क्या तरीका लगाया जाए। आप घर पे बड़ी आसानी से इंग्लिश सीख सकते हैं, उसमें जो तरीका है, सिस्टम है, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा जो मैं यहाँ पर आपको देने जा रहा हूँ या मैं नेक्स्ट टाइम दूंगा। मोटे तौर पर टंग पे लाने के लिए आपको हर चीज को बोलना पड़ेगा जिससे आपकी टंग पे सेट हो जाए। एक्चुअली हमारे बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं उन सभी का एक, सभी पार्ट्स को अगर एक चीज की पूरी तरह से आदत डाल दी जाए तो वो उसके हैबिचुअल हो जाते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको कहूँ कि आपने अपने सिग्नेचर करने हैं और राइट हैंड से सिग्नेचर करने हैं, जैसे आमतौर पर राइट हैंड से लोग सिग्नेचर करते हैं, बट अगर मैं कहूँ कि लेफ्ट हैंड से करने हैं तो आप सिग्नेचर नहीं कर पाएंगे। कारण, क्योंकि आप लाइट राइट हैंड का ही हमेशा यूज करते हैं, लेफ्ट का यूज नहीं करते। तो मेन थिंग इज व्हाट कि आपको जो आपके बॉडी के पार्ट्स हैं, ऐसे ही अगर मैं आपको छोटा सा एग्जांपल कह दूं कि आप अगर हिंदी का कोई एक वाक्य, कोई एक सेंटेंस बनाए जो व्याकरण की दृष्टि से बिल्कुल गलत होना चाहिए, यानी कि ग्रामर की दृष्टि से बिल्कुल गलत होना चाहिए, सेंस उसकी एब्सोल्युटली रॉन्ग होनी चाहिए, तो बना के देख लीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे कि हमारा वाक्य गलत बन गया है हिंदी का। तो मैं डेफिनेटली सभी के कमेंट जरूर पढ़ूंगा और उन पर पूरी तरह से रिएक्शन भी दूंगा। मोटे तौर पर आपको हिंदी का वाक्य गलत बनाते समय बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, यानी कि आप काफी लोग तो बिल्कुल गलत बना ही नहीं पाएंगे, वो तो सारा बिल्कुल ठीक ही बना बनाएंगे। उसका कारण यह है कि हिंदी भाषा जो है वो आपकी जुबान पर, यानी कि टंग पर आपके बिल्कुल परफेक्टली सेट है, इसकी वजह से आप हिंदी गलत नहीं बोल सकते हैं। बट इंग्लिश का अगर मैं वाक्य कहूँ कि इंग्लिश का कुछ वाक्य मैं पूछ लूँ तो मोस्ट लोग इंग्लिश का सारे वाक्य गलत ही बोलेंगे। उसका मेन कारण, क्योंकि वो आपके टंग पे नहीं है, इसकी वजह से। इंग्लिश भाषा अगर आपकी जुबान पर सेट हो जाएगी तभी आप इंग्लिश बोल सकते हैं, अदरवाइज इंग्लिश नहीं बोलते। बेशक आपको जितनी मर्जी ग्रामर आती हो, जितनी मर्जी वर्ड मीनिंग आते हो, जो कुछ भी आता हो, व्हाटएवर, बट इट शुड बी ऑन योर टंग, वो आपकी जुबान पे होना चाहिए। जब तक वो चीज आपकी टंग पे नहीं होगी तब तक आप इंग्लिश नहीं बोल सकते। तो टंग पे लाने की पूरी प्रोसेस मैं अपनी अगली वीडियोस में स्टेप बाय स्टेप आपको दिखता रहूंगा, जिससे आपको लॉजिक पता चला कि लैंग्वेज कैसे बोली जाती है। और कोई भी व्यक्ति, जो भी एक अच्छा अंग्रेज है या अच्छा इंग्लिश बोलने वाला है, उसकी टंग पे वो प्रॉपर वर्ड, सभी वर्ड सेट है, इसकी वजह से वो बड़ी आसानी से इंग्लिश बोल लेता है। जबकि हम लोग 1 घंटे तक ट्रांसलेशन ही करते रहते हैं, जैसे कि मैं जा रहा हूँ तो आई एम गोइंग, या मैं अपनी बाइक रिपेयर करवाऊंगा तो आधे लोग बोलेंगे बस आई विल रिपेयर माई बाइक, हो जाएगा तो मैं खुद करूंगा तो आई विल गेट माई बाइक रिपेयर्ड, तो या दैट, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे लिए जा सकते हैं, बहुत सारे वाक्य ऐसे लिए जा सकते हैं जिनमें काफी लोग बहुत बुरी तरह से उलझ जाते हैं। बट मुख्य तौर पर अगर वो सारी चीजें आपकी टंग पे सेट हो जाएंगी, जुबान पर आपके आ जाएंगी, तभी आप इंग्लिश बोल सकते हैं। मेनली ग्रामर कहीं से भी सीखी जा सकती है, वर्ड मीनिंग आजकल नेट पे बहुत सारी भरमार है सब वीडियोस की, या बहुत सारी और चीजें हैं जिन पे काफी लोग लिखते हैं, बट टंग पे लाना और प्लस उसको कॉन्फिडेंस के साथ बोलना बहुत ज्यादा मैटर करती है। बात आपका कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास ही डिसाइड करता है कि आप कितने ज्यादा आगे जाएंगे। काफी लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्कुल जीरो होता है, यानी कि सिंपल तौर पर उनमें इतना विश्वास नहीं होता कि हम बोल पाएंगे। इंग्लिश एक विदेशी भाषा है, इसे बार बार अभ्यास से ही सीखा जा सकता है, और ऐसा नहीं है कि हम कहेंगे बिल्कुल परफेक्ट हो गया हम इंग्लिश में। इंग्लिश विदेशी भाषा होने की वजह से धीरे धीरे स्लोली हम इनमें ग्रोथ कर सकते हैं। इसके अलावा एक टॉपिक बहुत लंबा मैं नेक्स्ट टाइम लूंगा, अभी नहीं ले रहा हूँ आपके साथ, वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग काफी लोगों की बहुत बड़ी दिक्कत है, वर्ड मीनिंग की पूरी बायोग्राफी, पूरी कहानी है जो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जिसमें वर्ड मीनिंग आप आसानी से केवल और केवल 10 से 15 मिनट में आप सारे वर्ड मीनिंग आप इजीली सीख जाएंगे। अब आप कहेंगे तो बड़े आश्चर्य की बात है, तो इसके बारे में वैसे तो डिटेल में बात है, तो मैं इस वीडियो में जानबूझ के उसके बारे में चर्चा नहीं कर रहा हूँ, अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में चर्चा करूंगा। फिलहाल अगर मैं शॉर्टकट की बात करूँ तो संक्षिप्त में इंग्लिश सीखने के लिए सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि ये सारे वर्ड आपकी टंग पे सेट होने चाहिए, और टंग पे सेट होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा,
मैं जहाँ पढ़ाता हूँ वहाँ पर हम एक एक वर्ड बच्चों को बुलवाते हैं जिससे वो आपकी टंग पे आ जाए, जुबान पे आ जाए। और जब तक आपकी टंग पे सारी चीज़ें नहीं आएंगी तब तक आप इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं, इसलिए टंग पे लाना जरूरी है। अभी आपको कुछ लोगों को ऐसा नहीं कि बिल्कुल जीरो है, काफ़ी लोग उन्हें काफ़ी कुछ इंग्लिश आते भी है बट वो प्रैक्टिकली बोलते नहीं उसको। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि जो भी वर्ड मीनिंग आपको आते हैं आप बिल्कुल जीरो नहीं है, लगभग उन वर्डों को आप बोलने की कोशिश करें, टंग पे लेके आए। हमारी जुबान पर टोटल हरियाणवी सेट है, इसकी वजह से 24 घंटे हरियाणवी या हिंदी या जो भी भाषा आपकी मदर लैंग्वेज है वही हम 24 घंटे बोल पाते हैं। उसके अलावा इंग्लिश तो बिल्कुल दूर दूर नहीं बोल पाते और ना ही हैबिचुअल है, स्पेशली हरियाणा की अगर मैं बात करूँ या कैथल की बात करूँ या कुरुक्षेत्र या पूरे हरियाणा की बात करूँ, उसमें काफ़ी लोग की टोटल देश भी हरियाणवी। सो दैट्स वाई उनकी जो होल्ड है वो केवल हरियाणवी भाषा पर ही है, इंग्लिश पर उनका होल्ड ही नहीं है, इसकी वजह से वो इंग्लिश बोल ही नहीं पाते हैं। तो वो क्यों नहीं बोल पाते, क्योंकि उनके टंग पे सेट नहीं है। तो टंग पे लाने के बाद ही आप कोई भी भाषा बोल सकते हैं, टंग पे जब तक नहीं आएगी तब तक नहीं बोल सकते। अब काफ़ी लोग ये कह सकते हैं कि कुछ लोग बिल्कुल अनपढ़ गवार हैं, बट जैसे कि मुंबई में जो टूरिस्ट प्लेस है स्पेशली वहाँ पर बिल्कुल अनपढ़ लोग भी जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं वो भी क्या करते हैं, सिंपल तौर पे बड़ी आसानी से इंग्लिश बोल लेते हैं। अब आप कहेंगे जब इनको अपने नाम तक लिखना आता तो ये इंग्लिश कैसे बोल लेते हैं, कारण उसका यही है कि उनकी टंग पे वो चीज़ें सेट हैं। और टंग पे कैसे आई, बार बार बोलने से आई है। तो इसके बारे में पूरा चैप्टर धीरे धीरे हम बात करते रहेंगे, टंग पे कैसे लाना है। एक एक ग्रामर का टॉपिक मैं यहाँ पर लूँगा आपके साथ अपने नेक्स्ट वीडियोस वगैरह में और उसमें डिटेल में समझाऊंगा, प्लस आपको एक बोलने का तरीका, एक आसान से तरीका बोलने का दूंगा जिसका आपने अपने घर पर ही अच्छा सा अभ्यास करना है, जिससे वो चीज़ आपकी टंग पे सेट हो जाएगी। और जब आपकी टंग पे वो चीज़ें सेट हो जाएंगी तब आप इंग्लिश आसानी से बोल पाएंगे। तो क्योंकि सामाजिक आजकल वैसे भी आजकल सब कुछ ऑनलाइन का सिस्टम ज़्यादा हो गया है, तो घर पर किस तरह से प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी तो वो सारी मैं आपको देता रहूँगा साथ साथ। तो फिलहाल के लिए इतनी ही बात, बाकी बात मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ करता रहूँगा। थैंक यू। तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लीजिएगा, बाकी बात आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू जी।